सब मुझे उनसा शाह ज्वाइन कर चुकी हैं जो कि प्रेडिक्शन देती हैं, और उनसा आजकल बड़े काम किए हैं क्योंकि हमारी हुकूमत साजी का अमल इस वक्त अपने मराहल में है, मुकम्मल नहीं हुआ। तो उनसा को वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या होने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर शो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उनसा मुझे बताएगा, ये राब्ते आपस में हो रहे हैं, कल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ तो हो गई पीटीआई, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के मामलात हैं कि तय होके नहीं दे रहे, कौन वज़ीरे आज़म आ रहा है, क्या सूरत हाल रहने वाली है, जरा कार्ड्स देख के बताइएगा। जी, मामलात तो तय हो रहे हैं और मैं ये समझती हूँ कि अब थोड़ा सा एक जोर पकड़ा जा रहा है। पहले चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहे थे, लेकिन अब चीज़ें जो है वो ऐसा ऐसा स्मूथ होती भी जाएंगी, क्लैरिटी मिलती भी जाएगी। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों इत्तफाक करते हुए नज़र आ रहे हैं और जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिटी होगी। बाकी पीटीआई वाले जो है वो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, हो सकता है पोजीशन में बैठे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन हुकूमत में तो देखिए यहाँ पर देखिए मामला मीटिंग्स नज़र आ रही हैं, तो एक दूसरे में ये लोग कुछ ना कुछ जो है ये नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ, और क्या ये 3 साल 2 साल वाला फॉर्मूला होगा या जो आएगा वो 5 साल के लिए आएगा, और अगर आएगा तो इन दोनों में से कौन आएगा? देखिए, मैंने लास्ट शो में भी आपको कहा था, दोनों का नाम लिया था, ज्यादा चांसेस, हालांकि 3 आप लोगों ने ऑप्शन दिए थे, नवाज शरीफ भी कहा था, लेकिन मैंने आपको कहा था नवाज शरीफ का के चांसेस नहीं है। और आज भी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है वो एम्प्रेस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है, यानी कि ये शहबाज शरीफ साहब के लिए कार्ड है, क्वीन का कार्ड होता है। फिर बिलावल 5 years or 3 years शहबाज शरीफ? नहीं, 3 years। अच्छा, 3 years, लॉन्ग टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है जी। अच्छा, ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करेगी या फिर 5 साल तो कंप्लीट करती हुई नजर नहीं आ रही, ये गवर्नमेंट जो भी बनाए, लेकिन ये वक्त ही होगा। पीटीआई ऑपोजिशन में बैठती देख रही हैं या फिर हुकूमत बनाने की पोजीशन में वो भी आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ पर नेगेटिव कार्ड है तो ऑपोजिशन में बैठेंगी पीटीआई, मुझे हुकूमत में नहीं बैठती हुई नजर आ रही पीटीआई। महंगाई मजीद बढ़ेगी या कम होगी? महंगाई जो है वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी, कम होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। बेचारी पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी जब ये चीजें मामला सेटल होंगे, तो यहाँ पर बिजनेस जो है वो बेहतर होगा, पाकिस्तान का जो बिजनेस कम्युनिटी है, बिजनेस के हवाले से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट्स होंगी, ट्रेडिंग होगी, ये सूरत हाल चेंज होगी। जैसे ही हुकूमत बनेगी उसके फौरी बाद आगे रमजान आ रहा है, इसका मतलब है रमजान में आग लगी होगी, लोगों के लिए रोजे रखना मुश्किल हो जाएगा। इंसान यहाँ पर देखिए ना, डेविल का कार्ड है, तो डेविल का कार्ड जो है वो बहुत महंगाई आगे बढ़ रही है। आप एक काम करें, अपनी गड्ढे में से इस कार्ड को निकाल दें। काश ऐसा हो सकता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना। मैं तो जो होगा वो नजर आएगा वो मैं बताऊंगी, चाहे वो जो है वो तकलीफ का क्यों ना हो, लेकिन महंगाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, स्पेशली रमजान में तो बहुत बुरी सूरत है। बस दफा इसका मतलब ये है कि जो लोग ईद मिलन पार्टियां थ्रो करते हैं, जरा सोच समझ के करेंगे कि महंगाई बहुत होने वाली है। अच्छा उनसे, अब जरा पाकिस्तानियों का ये हफ्ता, अगला बल्कि अभी तो बाकी है पूरा हफ्ता, कैसा रहने वाला है जरा क्विकली हमें बता दें। हाँ, एरीज की बात करते हैं, एरीज वालों के आने वाले हफ्ते में अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, आसपास इनके नेगेटिविटी है तो केयरफुल रहना चाहिए, लोग ऐसे हैं इनके आसपास जो बहुत हसद करते हैं, जादू टोना, इस तरह के मामलात एरीज वालों के साथ रहेंगे, इसकी वजह से उनके मामलात में रुकावटें डिलेज हो सकते हैं, तो एहतियात करना चाहिए। टॉरस वालों के लिए हफ्ता बड़ा चैलेंजेस वाला होगा, बहुत मसरूफ होगा, कोई भी काम उनका जो है वो आसानी से नहीं होगा, स्ट्रगल रहेगी, चैलेंज रहेगा, रुकावटें आएंगी। जेमिनी की बात करते हैं, कोई नया काम शुरू हो सकता है, कोई नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, तो नई बिगनिंग नजर आ रही है, न्यू बिगनिंग एनर्जी नजर आ रही है जेमिनी के लिए, तो इस वीक में अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। कैंसर वाले जो हैं उनके कामों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, लेकिन अगर हिम्मत करेंगे, अपनी विल पावर इस्तेमाल करेंगे तो वो रुकावटों पे कंट्रोल कर सकते हैं। लियो जो है वो उनको जो भी फैसला करना है, इस हफ्ते कोई फैसला लेंगे, चाहे शादी से रिलेटेड हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो,
तो लेकिन प्रैक्टिकल होना चाहिए और बहुत बैलेंस करें अपने आप को। और वर्गो वाले इंडिसाइसिव रहेंगे, डबल माइंडेड रहेंगे, थोड़ा अपने पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, अपने काम को लेके डबल माइंडेड हो सकते हैं, दोस्त के साथ कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। लिब्रा वाले जो है कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, लिब्रा वालों के साथ मतलब कुछ अचानक से ट्रैवल पर चले गए और जो है वो शादी हो गई, अचानक कोई जॉब आपने मुझे भी ज्वाइन अचानक कर से ली, तो भेज दें कहीं पे, अनएक्सपेक्टेड। हाँ मुझे भी अचानक से कहीं भेज दें आप घूमने के लिए। अचानक से भेज दे सबको, ये अचानक पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। अच्छा, लिब्रा के बाद स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, रोमांटिक कार्ड है, तो आप ट्रैवल का कार्ड भी है और किसी दोस्त के साथ मुलाकात हो सकती है, कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है, एक्स वापस आ सकता है, और घर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली टाइम स्कॉर्पियंस का है। शादी के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, किसी के साथ अगर एज अ बिजनेस पार्टनरशिप करें तो वो भी उनके लिए अच्छी रहेगी। सेजिटेरियस वाले थोड़ा सा डरे हुए हैं अपनी सेहत को लेके, अपनी सेहत को बहुत देखना है, ख्याल रखना है, अगर छोटा मोटा भी कोई इशू है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, सेहत का खास ख्याल रखना है। कैप्रिकॉन वाले जो है पेशेंस रखें और बहुत जल्द कैप्रिकॉन की लाइफ में खुशी आने वाली, हैप्पीनेस, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी काम को लेके, किसी भी मामला को लेके आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। एक्वेरियस वाले जो है यहाँ पर अचीवमेंट लग रही है, प्रमोशन हो सकती है, फेम मिल सकता है, कामयाबी मिल रही है, शादी के काफी अच्छे चांसेस हैं एक्वेरियस वालों के। पाइसिस वाले जो है उनके कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है तो फेवर उनको मिल सकता है, कोई पुरानी चीज जो है वो उनकी जिंदगी में वापस आ सकती है, कोई पुराना लाइफ पार्टनर हो सकता है, कोई कोई पुराना बिजनेस दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, कोई पुरानी जॉब से उनको ऑफर आ सकती है। बहुत तो ये बहुत थे जी। शुक्रिया बुनसा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक करे कि अच्छा अच्छा हो, और ये जो महंगाई की बातें आपने की है ना, कुछ कार्ड्स बदल जाएं, डेवल का कार्ड निकल जाए, अच्छे अच्छे कार्ड आ जाएं, वो पेंटिकल्स वाले, कप्स वाले ना, जो अच्छे कार्ड होते हैं, क्वीन किंग वाले, वो निकल आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए।